यहाँ पर पुतला फूंका है, किसका पुतला फूंका गया, क्या वजह रही है? हम लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला यहाँ फूंका है और मैं जरा भी अंदर से आज हिली हुई नहीं महसूस कर रही हूँ कि हमने दोबारा एक उभरते हुए रावण का पुतला फूंक दिया। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने हमको समाज में स्थान दिया है कि 33% आरक्षण हम आपको दे रहे हैं और आप आगे बढ़िए, हम आपका सशक्तिकरण करना चाहते हैं, तो उसी संसद भवन में बैठकर किसी दूसरे इंसान को ऐसा बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो एक उपहास बनाए। भारत में हम सब रहते हैं, हमारी तहजीब गंगा जमुनी रही है, हमारी तहजीब संस्कृतियों से बनी हुई है, रिझी हुई है, तो उसका मान रखा जाए, हमारे भारत का नाम ना खराब किया जाए, ये हमारे भारत का उद्देश्य नहीं हो सकता। ऐसे में आपकी क्या मांग रहेगी? मैं चाहती हूँ उनको इस्तीफा तो दे देना चाहिए, उसके बावजूद उन्हें पब्लिक में आकर सारी महिलाओं से लिखित माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा कोई अपना कृत करना चाहिए कि भाई हम बहुत शर्मसार हैं, हमें ऐसे बिल्कुल, क्योंकि वो जिस हिसाब से हंस रहे हैं संसद भवन में कहते हुए, मुझे नहीं लगता वो कोई एजुकेशन की बात कर रहे थे उस समय, मुझे साफ यही लगता है वो एक उपहास उड़ा रहे थे, महिलाओं को किसी तरीके तो नीचा गिराएं, कुछ कह के तो नीचा गिराएं, वो गलत था उनका, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम पारिशा तिवारी है, मैं हरदोई में भाजपा कार्यकर्ता हूँ। जिला, मैं रीना गुप्ता, जिला महामंत्री महिला मोर्चा हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ नीतीश जी का पुतला फूंका है, उसका कारण स्वयं नीतीश जी हैं। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें संसद में बैठ कर की हैं, इसका कोई अधिकार उन्हें नहीं बनता। हम लोग उनसे बहुत क्षोभ है हम लोगों को और बहुत ज़्यादा क्रोध है। एक तरफ हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी 33% के आरक्षण का तोहफा हमें दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये महोदय संसद में बैठकर इतना अपमानजनक, ऐसा होता है? इनको हम लोग चाहते हैं कि ये तुरंत इस्तीफा दें, इनके इस्तीफे की मांग करते हैं, पूरा महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश का इनके इस्तीफे की मांग करता है। नीतीश जी इस्तीफा दीजिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग आगे और बढ़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको, इनको सत्ता छोड़नी होगी।